बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बे औलादी का रूहानी इलाज। जिन अफराद के घर औलाद नहीं होती वो ये दुआ पढ़ें और औलाद पाएं। बे औलादी क्यों होती है? दोस्तों, बहुत से केस देखे हैं कि जिनमें मियां और बीवी दोनों तिब्बी तौर पर बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन औलाद फिर भी नहीं होती। इसकी वजूहात औरतों और मर्दों में मुख्तलिफ होती हैं। मर्दों में वजूहात, मर्दों में बहुत सी वजूहात पाई जाती हैं जिनमें दिमागी सुकून का ना होना यानी मेंटल स्ट्रेस और स्पर्मटोजिया और इसके अलावा ड्रग्स का इस्तेमाल और प्री मेच्योर जैसी वजूहात सामने आती हैं। इसके अलावा हारमोन्स का कम होना भी इन वजूहात में शामिल है। जिनकी औलाद नहीं हो पाती उनके लिए आज हम एक बहुत ही प्यारी आयत का तर्जमा बताने जा रहे हैं जो कि ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब, मुझे अपने पास से पाक औलाद दे, बेशक तू ही दुआ सुनने वाला है। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 38 का तर्जमा है। ये इतनी प्यारी दुआ है कि ऐसे लोग जिनकी औलाद नहीं हो रही और वो हैं भी बिल्कुल ठीक तो वो ये आयत हर नमाज के बाद अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़कर 11 मरतबा इस दुआ को पढ़ लिया करें और अल्लाह पाक से दुआ किया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उन्हें औलाद की नेमत से नवाज देगा इंशाअल्लाह। वो आयत ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी हबली मिल्ला दुन का जुर्रियातन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। दोस्तों, इस दुआ को सदकाए जारिया समझकर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब के साथ भी शेयर करें ताकि किसी का भला हो। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।